साइबर सिटी गुरुग्राम में भाजपा के कार्यकर्ताओं का मोह पार्टी से भंग होता जा रहा है और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन है ये कार्यकर्ता और आखिर इनके मोह भंग की वजह क्या है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में हाल ही में पूर्व भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल ने भाजपा पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था और इसी को लेकर हमने अपने जो खबर के माध्यम से आपको सूचना भी दी थी और काफ़ी लोगों ने सवाल भी किए थे। तो आज उनके कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिनको आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया था। तो इस पर पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज कितने लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया है? आज दर्जनों लोगों को गुरुग्राम में पार्टी में हमने शामिल किया है और आने वाले समय में सैकड़ों लोग गुरुग्राम में और हजारों लोग हरियाणा में पार्टी में शामिल होंगे। सर, अब सवाल गुरुग्राम की जनता के हैं कि आखिर उमेश अग्रवाल का पार्टी बीजेपी से ऐसा क्या मोह भंग हुआ है कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है? सारा गुरुग्राम जानता है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चुनाव जीता, दो बार चुनाव लड़ा, पहली बार हारा। लेकिन जीतने के बाद जो मेरी जिम्मेदारी थी वो गुड़गावा की जनता के प्रति ज़्यादा थी और मैंने गुड़गावा की जनता के हित के जो मुद्दे थे वो उठाए जो कि पार्टी के नेतृत्व को पसंद नहीं आए। और सब लोग आप जानते हैं कि चाहे गुड़गावा में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मीटिंग की बात हो, मैंने मंच से मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करी, चाहे विधानसभा के अंदर गुड़गावा की 450 एकड़ ज़मीन जो ग्वालपाड़ी की लूट की बात थी वो मुद्दा मैंने उठाया और ऐसे अनेक तमाम मुद्दे थे। मैंने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाने की बात करी, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। मैंने एक हस्ताक्षर अभियान चला करके गुड़गांव में यूनिवर्सिटी की मांग रखी, मजबूर होकर के मुख्यमंत्री को वो बात माननी पड़ी। तो इस सारे मुद्दे मैंने उठाए और इस कारण से पार्टी को ये बात नागवार गुजरी। सही है, पार्टी को नागवार गुजरी, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनका ये मानना है कि जब 2019 चुनाव में आपको टिकट नहीं दी गई थी तो उस समय ही आपने पार्टी क्यों नहीं चेंज की थी? मुझे लगा कि पार्टी ने इतना मान सम्मान दिया है, पार्टी में इतनी मेहनत हमने की, हमने अपने पसीने से खून से पार्टी को सींचा है। मेरा एक बड़ा योगदान आप सब लोग जानते हैं, गुड़गावा के लोग जानते हैं कि यहाँ पार्टी को खड़े करने में था। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, एक बार पार्टी ने चूक की है तो हमें भी उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए और पार्टी ने आश्वासन दिया था कि हम आपको आगे मान सम्मान देंगे। लेकिन मुझे ही नहीं, किसी भी कार्यकर्ता का आज कोई मान सम्मान नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार पार्टी का नेतृत्व कर रहा है वो कार्यकर्ता उनसे शुभ हैं और हमें मजबूर होकर के पार्टी छोड़नी पड़ी। ऐसा तो नहीं है पंजाब चुनाव जीतने के बाद आप एक आपदा को अवसर में बदलना चाह रहे हैं? पंजाब चुनाव के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी का वातावरण बन रहा है और केवल पंजाब ही नहीं, गोवा में भी हम आगे बढ़े हैं और भी प्रदेशों में आगे बढ़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन इसके साथ साथ कारण ये है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, पंजाब में एक साधारण कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा करके चुनाव जिताया, ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ कार्यकर्ता का सम्मान है। यही आम आदमी पार्टी थी जब आप विधायक थे तो ये आपके खिलाफ प्रदर्शन किया करती थी, तो आज आपका जमीर गवारा करेगा क्या? उनका धर्म था मेरे खिलाफ प्रदर्शन करना, मेरा कर्तव्य था उनकी किसी बात के खिलाफ बोलना कि ये गलत कह रहे हैं। लेकिन ये तो समय समय की बात होती है कि जब जिसका जो पोजीशन में होता है वो काम करता है। आप ओपनिंग बैट्समैन है तो ओपनिंग का काम करेंगे, बॉलर है तो बॉलर का काम करेंगे। गुरुग्राम के लिए क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं? गुरुग्राम के लिए हमें नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, नगर निगम चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम लहराना है, गुड़गांव में जो भ्रष्टाचार का अड्डा मुख्यमंत्री जी ने बना दिया है उस अड्डे को तोड़ना है, ये काम हम करें। पीछे भी आप लोगों ने, आपने एक अच्छा शुरुआत की थी लोगों को धार्मिक यात्राएं कराने का, तो क्या अब भी इस तरह की कोई शुरुआत गुरुग्राम वासियों के लिए? बिल्कुल, गुरुग्राम वासियों के लिए हम धार्मिक यात्राओं का आयोजन पुनः करेंगे क्योंकि एक कोरोना काल था, 2 साल कुछ भी हमने किया नहीं और इजाज़त भी नहीं थी। पहला कार्यक्रम हमने धार्मिक का एक 2 अप्रैल का तय भी कर दिया है, एक शोभा यात्रा है, वो मैं अलग से चर्चा करूंगा, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमने शुरुआत कर दी। तो उमेश अग्रवाल जी जो हमारे साथ इस पूरी बात पर चर्चा कर रहे थे, जो आज जुड़े हैं उनसे भी बात करते हैं। राजबाला जी, क्या मुद्दे लेकर आप आगे आ रहे हैं? गुड़गांव के अंदर काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक उनका कोई
रीजन समझ में भी नहीं आया, नहीं हुए हैं। विधायक जी ने हमारे सीएम साहब के सामने हमारे गुड़गांव की इतनी समस्याएं रखी, उन्होंने उनको समस्याओं को नहीं सुना। तो जो भी भाजपा के अंदर विधायक जी के साथ थे, उन्होंने सोचा कि आज हमारे यहाँ पे काम नहीं होता तो हम इस सरकार को छोड़ देते हैं, और जो विधायक जी कहेंगे हमारे गुड़गांव के। आप खुद भाजपा में एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में तैनात थी, पर ऐसा आपका मोह भंग होने का वजह क्या था? हमने 2012 से बीजेपी के लिए बहुत काम किया, मैगजीन छपाई हर क्षेत्र के अंदर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हर जगह हमने बीजेपी का प्रचार किया। उसके बावजूद भी गुड़गांव के अंदर जो भी हमें इन्होंने पद दिया, उस पद पे हमने दिल से रात हो या दिन हो इनका पूरा काम किया। काम करने के बाद भी इन्होंने, कुछ लोग बीजेपी के अंदर ऐसे हैं कि जो काम करता है उसको आगे नहीं लाए, उनको पीछे कर दिया। और जब हम मीटिंग में बैठते थे तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती थी वहाँ पर। एक हम अच्छे परिवार से हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, और एक समाज के अंदर हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो समाज के साथ हजारों लोग जिसके साथ जुड़ता है, जनता उससे काम लेती है। अगर हमारा काम कहीं बीजेपी में नहीं हुआ तो हमने बीजेपी को छोड़ दिया। अब उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सम्मान भी देगी और आगे आपका नहीं कि दिल्ली में, मैंने सुना, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और राशन, पेंशन और जो भी है, कोरोना टाइम में उन्होंने इतना घर घर में घर राशन भिजवाया है, उसके उनको देख के मैं चाहती हूँ कि हमारे गुड़गांव हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यहाँ पे ज़मीन से जुड़े लोग हैं उनके बीजेपी के अंदर कोई इज्जत सम्मान नहीं है। और आम आदमी पार्टी आज गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर इतना परचम लहराएगी कि आने वाले टाइम में चारों तरफ केजरीवाल और झाड़ू दिखाई देंगे। राजबाला शर्मा जी भी एक भाजपा के अच्छे पदाधिकारी के रूप में कार्य करती, लेकिन इनका भी यही कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के द्वारा अब कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी आ गई है। ठीक यही बात पूर्व विधायक ने भी कहा है कि भाजपा इस समय अपने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दे रही है, यही वजह है कि उनका पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। इसके अलावा हमने जो कड़वे सवाल उमेश अग्रवाल से किए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपदा को अवसर में बदलना चाह रहे हो, लेकिन उन्होंने बेबाकी से इसके जवाब दिए। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी में आकर उमेश अग्रवाल या बाकी जो कार्यकर्ता हैं, ये गुरुग्राम की जनता की भलाई के लिए, गुरुग्राम के जनता के मुद्दों के उत्थान के लिए कितना काम कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज।